उधर गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए सिख संगतां लई खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने भारतीय सरहद से नवा दर्शन मार्ग बनाने का काम शुरू किया है। पिछले 6 महीनों तो दर्शन मार्ग बनाने की मांग की जा रही थी। हुण श्रद्धालु दूरबीन राही अंतरराष्ट्रीय सरहद पार पाकिस्तान विखे स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब के दर्शन कर सकणगे। ए दर्शन मार्ग लैंड पार्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे वल्लों बनाया जाएगा। भाजपा आगू मनजिंदर सिरसा ने ट्वीट कर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। सो श्री करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए सिख संगतां नूं खुशखबरी मिली है। गुरु नानक नाम लेवा संगत वास्ते बहुत वड्डी खुशखबरी आ, जो करतारपुर साहिब गुरु नानक देव पातशाह जी का पवित्र चरण छोह स्थान, जिस दे दर्शन दारे पासपोर्ट ना होने करके कई संगतां नहीं कर पा रही सी, उन्हां वास्ते भारत सरकार वल्लों ये विशेष कार्रवाई की जा रही है। ये एक विशेष तौर पर उत्थे टावर खड़ा किया जा रहा, 9 मीटर उच्चा जिहदी हाइट होगी, जिहदे अंदर सारियां संगतां उस स्थान तो गुरु साहब के स्थान के दर्शन दारे खुले दर्शन दारे कर सकेंगे। इस प्लाजा के अंदर वड्डियां स्क्रीनां लगनगियां, टोटल एयर कंडीशन होगा, एक वक्त से 450 लोग इस दे अंदर जाके दर्शन कर सकेंगे और इस प्लाजा तो सीधा करतारपुर साहिब के दर्शन दारे किए जा सकेंगे। ये जो दर्शनी स्थान है ये लगभग अगले 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा और 6 महीनों बाद संगतां जिन्हां को पासपोर्ट नहीं वो सीधे दर्शन दारे कर सकणगियां। इहदे वास्ते भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटान कोट शुकराना करता हां।